हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स टू एंटर फंक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया। ओके, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग द एवरेज फंक्शन। स्टेप वन, क्लिक ऑन द सेल वेर यू वांट टू प्लेस द एवरेज ऑफ वैल्यूज। लेट अस से F1 क्या है। क्लिक ऑन सेल वेर यू वांट टू प्लेस द एवरेज वैल्यू। आपको वो सेल पे क्लिक करना है जिस पे आपको एवरेज वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या लिया है, F1 लिया है। ओके, देन नेक्स्ट है टाइप इक्वल टू साइन। टाइप द फंक्शन नेम एवरेज एंड ओपन अ पैरेंथेसिस। क्या करना है आपको, इक्वल टू साइन टाइप करना है, फिर नेम फंक्शन नेम एवरेज टाइप करना है, और फिर क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, देन नेक्स्ट है स्टेप 3। यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ द रेंज B1 टू E1। फर्स्ट क्लिक ऑन द सेल टू डिफाइन द स्टार्टिंग सेल ऑफ द रेंज एंड ड्रैग द माउस टू द लास्ट सेल। द सेल एड्रेस F1 विल अपियर विद इन पैरेंथेसिस। क्या करना है आपको, पैरेंथेसिस कहाँ पे, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यूज ऑफ द रेंज। आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, B1 से लेके E1 तक। ओके, B1 टू E1 फर्स्ट, देन क्लिक ऑन द सेल टू डिफाइन द स्टार्टिंग सेल ऑफ द रेंज एंड ड्रैग द माउस टू द लास्ट सेल। आपको क्या करना है, ड्रैग करना है माउस को लास्ट सेल तक। देन द सेल एड्रेस F1 विल अपियर विद इन पैरेंथेसिस आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला बार और द सेल F1 विल डिस्प्ले एवरेज B1 टू E1। फिर क्या होगा, F1 क्या डिस्प्ले करेगा, एवरेज B1 टू E1। ओके, देन नेक्स्ट प्रेस द एंटर की, द सेल F1 विल डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट। आप एंटर की प्रेस करोगे तो F1 पे क्या डिस्प्ले होगा, कैलकुलेशन डिस्प्ले होगा। ओके, कैलकुलेटेड रिजल्ट डिस्प्ले होगा। आपने एवरेज B1 टू E1 कैलकुलेट किया तो उसका रिजल्ट आपको F1 पे डिस्प्ले होगा। ओके, देन नेक्स्ट सिमिलर टू द सेम फॉर ऑल रोज। फिर आपको क्या करना है, ऑल रोज के लिए इसको ये सिमिलर स्टेप करोगे तो इस तरीके से आपको सारे रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सारा एवरेज मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है सम कॉमन फंक्शन। तो मैक्सिमम, इट इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। क्या होगा ये मैक्सिमम, किसके लिए, मैक्स किसके लिए यूज होता है, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यूज। तो इट इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, किसके लिए यूज होता है, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द सेल F1 एंड टाइप मैक्स बिफोर सेमीकॉलम E4 एंड प्रेस द एंटर की। आपको क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल F4 सेल लिया है। ओके, तो आप जो आपने टाइप किया यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल F4, टाइप क्या करना है, इक्वल टू मैक्स टाइप करना है, इक्वल टू साइन देन मैक्स, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है B4, फिर सेली कॉलम E4, जहाँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सेल का। ओके, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एवरेज आपको दिखाएगा। क्या करना है, द मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज बिफोर सेमी कॉलम E4 विल बी डिस्प्ले इन द सेल F4। F4 सेल पे क्या डिस्प्ले होगा, रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ओके, देन नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, टुडे वाला। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट। क्या डिस्प्ले करता है, ये करंट डेट को डिस्प्ले करता है। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, टाइप इक्वल टू साइन देन टुडे ब्रैकेट इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की। देन टुडे फंक्शन विल डिस्प्ले द करंट डेट इन द सिलेक्टेड सेल। आपने सिलेक्ट किया होगा सेल, उसमें क्या डिस्प्ले होगा, आज टुडे मतलब करंट डेट डिस्प्ले होगी। ओके, देन नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, मीन। मीन मतलब मिनिमम। इट इज़ यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। क्या डिस्प्ले करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट है क्लिक ऑन द सेल F4 एंड टाइप इक्वल टू मीन बिफोर सेमी कॉलम E4 एंड प्रेस द एंटर की। आपको जो भी कैलकुलेशन करना है मिनिमम वैल्यूज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग सेल से लेके एंडिंग सेल तक आपको टाइप करना है। यहाँ पे क्या लिया है, एग्जांपल B4 से लेके F4 लिया है। ओके, तो फिर आपको क्या होगा, F1 पे आपको उसका रिजल्ट होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका
क्या सिंटेक्स है, इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट में बिफोर सेमीकोलन ई4, ये क्या है उसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला टाइप करोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ओके शो होगा। देन नेक्स्ट है द मिनिमम वैल्यू इन द रेंज बिफोर ई4 विल बी डिस्प्ले इन सेल F4। तो यहाँ पे सेल F4 पे यहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ओके। देन नेक्स्ट है फॉर्मूला एरर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इफ एनी फॉर्मूला इज एंटर्ड इनकरेक्टली देन एक्सेल डिस्प्ले एन एरर मैसेज इंस्टेंट ऑफ द वैल्यू एंड असिस्ट्स यू इन आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम। क्या है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इफ एनी फॉर्मूला इज एंटर्ड इनकरेक्टली देन एक्सेल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। अगर आप कोई भी सेल में इनकरेक्ट फॉर्मूला टाइप करोगे एंटर करोगे तो क्या होगा, एक्सेल आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, ओके। इंस्टेंट ऑफ द वैल्यू एंड असिस्ट यू इन आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, आपको उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैसेज आपको सेंड करेगा तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है, ओके। फिर आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। व्हेन योर सेल कंटेन दिस एरर कोड द कॉलम इजंट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द वैल्यू क्लिक ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम अ हेडर विल इंक्रीज द कॉलम विड्थ। व्हेन योर सेल कंटेन दिस एरर कोड, सेल के अंदर कोई एरर कोड है, ओके, अगर उसकी विड्थ क्या है डिस्प्ले करने के लिए इनफ नहीं है, ज़्यादा है, तो क्या करना है, क्लिक ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, आपको राइट बॉर्डर पे क्लिक करना है, देन अ हेडर विल इंक्रीज द कॉलम विड्थ। हेडर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कॉलम विड्थ, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एरर फाइंड करने में आसानी होगी, ओके। देन नेक्स्ट है कन्वर्ट एक्सेल वर्कबुक इन पीडीएफ। आप एक्सेल वर्कबुक को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सो क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज अ फॉर्मेट दैट प्रिजर्व द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एनेबल सिक्योर्ड फाइल शेयरिंग। स्प्रेडशीट इन MS Excel 2010 कैन बी क्रिएटेड एज अ PDF. PDF डॉक्यूमेंट्स कैन बी एडिटेड बट कैन बी व्यूड एंड प्रिंटेड। क्या है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब PDF का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके, इज अ फॉर्मेट दैट प्रिजर्व्स द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एनेबल सिक्योर्ड फाइल शेयरिंग। ये क्या करता है, आपकी फाइल को क्या करता है, एनेबल करता है, सिक्योर बनाता है, ओके, और इसे आप फाइल भी इसको शेयर कर सकते हैं PDF से। MS Excel कैन बी क्रिएटेड एज अ PDF। MS Excel क्या कर सकता है, PDF क्रिएट कर सकता है। PDF डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एडिटेड। PDF डॉक्यूमेंट किस में क्या, आप एडिट नहीं कर सकते, ओके। अगर आपने आपकी वर्कशीट को PDF में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप क्या कर सकते हो, उस PDF को एडिटिंग नहीं कर सकते हो, बट आप उसको व्यू कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल शीट में ही, आपकी वर्कशीट में ही आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्कशीट को आप PDF में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते, ओके, वो सिर्फ व्यू होगा और आप उसको व्यू कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम अपने वर्कशीट को PDF में कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द स्प्रेडशीट और पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट यू वांट टू कन्वर्ट टू PDF, आपको सिलेक्ट करना होगा, ओके, जो भी शीट को आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो भी पार्ट को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हो, ओके। देन क्या करना है, क्लिक द फाइल टैब, आपको क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन क्लिक सेव एज, आपको सेव एज पे क्लिक करना है, टाइप फाइल नेम, आपको फाइल नेम देना है, देन सिलेक्ट PDF ऑप्शन फ्रॉम सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेनू। फिर आपको क्या करना है, PDF ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सेव एज, आप सेव एज टाइप करोगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको ऑप्शन मिलेगा PDF का, उसको सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन सेव बटन, फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ, सॉरी चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम
न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, यूजिंग एक्सेल डेटाबेस। ओके।